उत्तर प्रदेश के अफजलपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया था जब भारी पुलिस बल गांव में पहुंची। यहां आपको बता दें कि सूचना मिली थी कि दर्जन भर से ज्यादा बंदरों को मौत के घाट किसी ने नशीला पदार्थ खिलाकर उतार दिया है। आपको बताते चले कि गांव से कुछ ही दूरी पर एक खाली खेत में 16 बंदर व 2 कुत्तों के मरने की सूचना ग्राम प्रधान को किसी किसान ने दी थी। ग्राम प्रधान रिजवान ने पुलिस को फोन किया और मौके पर जाकर देखा तो जंगल में जगह जगह पर 16 बंदर मरे पड़े थे और कुछ ही दूरी पर एक कुत्ता और एक गीदड़ भी मरा पड़ा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जंगल के अंदर देखभाल की, तब पता चला कि 1 किलोमीटर के दायरे में 16 बंदर मरे पड़े हैं, जिसकी सूचना थाना अध्यक्ष नवाब सिंह ने वन विभाग की टीम को दी और मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने सभी मृतक बंदरों का जायजा लिया और सबको इकट्ठा कर जमीन में दबा दिया। मौके पर पहुंची पशुपालन विभाग की टीम ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही पुष्टि हो पाएगी बंदर किस वजह से मरे हैं। बंदरों के मरने की सूचना सुनकर गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बंदरों ने कोई ना कोई जहरीला पदार्थ खाने से बंदरों की मौत हुई होगी। पशुपालन विभाग की टीम ने बताया कि बंदरों के मरने की पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगी, जिसमें मृत बंदर का सैंपल ले लिए गए हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि बंदरों की आखिर किस कारण से मौत हो पाई है और फिर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। दर्जन भर से ज्यादा बंदरों के मर जाने के से गांव के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। पहले ही मुरादाबाद और देश कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ रहा है, तो वहीं यह एक और गांव जहां अचानक इतने सारे बंदरों के मर जाने से मामला सामने आया है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। भाईपुर ग्राम का जंगल है, रामपुर सीमा से लगा हुआ। यहाँ पे कुत्ता, एक गीदड़ और 10-5 बंदर मर गए थे। पुलिस आई हुई है, वो सारी छानबीन कर रही है, उनका बिसरा ले रही है जांच के लिए, पोस्टमार्टम के लिए। अब ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या है। मतलब क्या लगता है कितने बंदर हैं? 8-10 बंदर होंगे। कौन सा जंगल लगता है ये? ग्राम भाईपुर का जंगल लगता है, रामपुर सीमा से सटा हुआ है। कौन कौन सी टीम आई है यहाँ पर? यहाँ पुलिस टीम है पूरी, वन विभाग की है और जो भी है, कई सारी टीमें हैं। डॉक्टर लोग भी आए हुए पशु विभाग के। सर क्या मामला है, कौन सा गांव है, कौन सा जंगल है ये? ये जंगल है भैया भाईपुर अफजलपुर के नाम से है। जी जी, भाईपुर अफजलगढ़ के नाम से है ये जंगल, और ये प्राइवेट जंगल है सब। इसमें जो है कुछ मृत बंदर पाए गए हैं, जिसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ नर हैं, कुछ मादा हैं। अब उसकी संख्या क्लियर नहीं हुई है, अभी तक जो काउंटिंग चल रही है वो 11-12 की है, और जैसे ही रीजन पता चलेगा आसपास में भी इसको जो छानबीन करी जाएगी, जैसे ही पता चलेगा जो संबंधित इसमें दंड का भागी होगा उसे दंड दिया जाएगा। अभी देखा जाए, किसानों से बात करी जाएगी। इसमें और भी जानवर है कुछ? और जानवर कुछ नहीं है, अभी तो खाली बंदरों का ही संज्ञान आया, अभी बाकी और खोजबीन चल रही है। सर कौन कौन सी टीम आई है यहाँ पर? यहाँ फॉरेस्ट की टीम आई है, वन क्षेत्र अधिकारी आनंद सिंह बोरा हैं और इंस्पेक्टर साहब हैं मुंडा पांडे, डिप्टी सीएमओ जैन साहब। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.